नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हमारे HBN न्यूज चैनल के संवाददाता बिट्टू कुमार जब शिवहर जिला के जहांगीरपुर पंचायत चुनावी मुद्दों को लेकर पहुंचे तो गांव वालों का कहना है कि क्षेत्र में ऐसा विधायक चाहिए जो काम करे। तो चलिए जानते हैं कि गांव वालों ने आगे क्या कहा। देखिए, इस बात हम शिवहर जिला के लक्ष्मिया ग्राम स्थान पर मौजूद है और मैं चुनावी माहौल को लेकर के मैं थोड़ा ग्रामीणों से यहाँ के किसानों से कुछ सवाल जवाल करना चाहता हूँ, कुछ उस पर चर्चा करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मताय खड़ा है यहाँ के समाज में, जो इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। माँ, आप ये बताए जरा, मतलब आपके जो पसंदीदा सरकार है क्या नीतीश कुमार से आप खुश रहते हैं? राशन पता ही कम मिलता है। अच्छा, मतलब राशन पता ही कम मिलता है, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार आपके लिए सरकार है, ठीक ठीक है ना? बोलिए जी। जी जी, ठीक है। और आपके जो है ना विधानसभा चुनाव जो होने वाली है, इस वक्त जो विधानसभा चुनाव होने वाली है, इस वक्त जो टिकट जो मिलने वाले हैं, दिखा जा रहा है कि शरफुद्दीन साहब वर्तमान विधायक है। क्या आप चाहते हैं कि वो फिर से वर्तमान विधायक बने? हाँ, वो सही है, बनेंगे विधायक तो सही है, उनका भी काम सही मैंने हुआ है जी। लेकिन मैंने थोड़ा यह है कि गरीब के ऊपर थोड़ा नजर करें, गरीब का मैंने बहुत राशन पानी में कटाई हो रहा है, डीलर लोग भी मैंने बहुत बेमानी कर रहा है कि जिससे एक आदमी पर 3 kg चावल और 2 kg गेहूँ मिलता है, उसमें से 1-1 kg काट लेते हैं जी। और उसके बाद में मैंने बोलने पर उल्टा मैंने धमकाते हैं। अच्छा, डीलर की कहानी? डीलर का कहानी। अच्छा, तो आप विधायक जी से खुश हैं? विधायक जी से खुश है, लेकिन विधायक जी की भी गरीब पर नजर रखे। अच्छा, गरीब को मैंने क्या चाहिए नहीं चाहिए, गरीब तो मैंने किसी का सुनता नहीं है कोई, गरीब तो मैंने है कि अपना मजबूर है, किसको जाएगा सुनाने, जिसको सुनाने जाता है तो उल्टा धमका देता है, चुप हो जाता है गरीब। इस पर विधायक जी को क्या, उनको मेहरबानी होगा कि इस पर ध्यान दे कि राशन पानी जो भी गरीब को मिलता है। आप क्या करते हैं? हम सिलाई करते हैं, मजदूरी करते हैं। कहाँ पे? घर पर भी करते हैं, दिल्ली पे जाके करते हैं। अच्छा, दिल्ली पर? घर में तो चल नहीं रहा है काम। दिल्ली पर करते हैं, दिल्ली में करते हैं। तो कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी नहीं, हम लोग 30 रुपये पर काम करते हैं। 30 रुपये? कितना इनकम हो जाता है महीना की? महीना का मैंने कोई ठीक नहीं, किसी महीना में 8,000 भी हो जाता है, किसी महीना में 10,000 भी हो जाता है, किसी महीना में कम भी हो जाता है, मैंने 30 रुपये वाला कोई ये नहीं है। ऐसे दिहाड़ी पर करते हैं तो 350 रुपये रोज मिलता है, ओवर टाइम लगा तो लगा, नहीं तो बस। देखिए, इनके कहने के मतलब है कि इस यहाँ की वर्तमान विधायक से खुश है, बस इनके कहना में है मतलब है कि यहाँ के जो विधायक वर्तमान कुछ गरीबों पे नज़र रखे, ध्यान बात रखे, और जो मैं फिर आगे चल के मतलब यहाँ वही पैसा है करना चाहता हूँ। क्या आप वर्तमान विधायक से खुश हैं? लेकिन जो और जो गरीब आदमी है उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। मीडियम आदमी अपने हिसाब से चलता ही है, जो पैसा वाला है उस हिसाब से चलता है, जो गरीब है दबा हुआ है उसको दबाने का कोशिश ना करें, उसको अपने साथ में कंधा करना चाहिए। तो आप नीतीश कुमार से खुश हैं? जो मतलब ये भी सरकार से खुश है नीतीश कुमार को, मतलब ये कहने का ये लोग मतलब है कि नीतीश कुमार से मैं बात करना चाहता हूँ। आपकी क्या नाम हुआ? क्या करते हैं आप? कोई काम नहीं। पेंशन वगैरह मिलती है ना? किन के सरकार में मिली है? अलग अलग तरह का। किसके सरकार में मिली है? नीतीश कुमार से। तो आप नीतीश कुमार से खुश है? तो देखा जा रहा है कि RJD भी जो है ना, लालू यादव की जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो भी खूब दावेदारी बने हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब बन पाएंगे या उस पर क्या आप वोट दे सकते हैं? आप वोट किसको दीजिएगा? ठीक, आप वोट किसको दीजिएगा? वोट का हम नहीं गारंटी देंगे, ठीक है, ये गारंटी नहीं देंगे। लेकिन नीतीश कुमार से खुश है? लेकिन देखिए, चता भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से खुश है, लेकिन वोट किसको देंगे ये मैं नहीं बता सकता हूँ। और मैं दो मतलब यहाँ पे विद्यार्थी भी खड़े हुए हैं, जो मैं विद्यार्थी से भी सवाल सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, अपने मन की बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपकी? मोहम्मद साड़ी खान। अच्छा, मोहम्मद साड़ी खान, कहाँ पे क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 10th में पढ़ते हैं। 10th में तो आपको क्या नीतीश कुमार लाभ मिली? लाभ मिली है, छात्रवृत्ति मिला, पैसा मिला है, ठीक है। अच्छा, साइकिल वगैरह? साइकिल सब मिला है। तो आप किनके सरकार बनाना चाहते हैं इस वक्त, मतलब आपके मन में बनाना किसको मतलब लाइक किया? सरकार तो नीतीश कुमार ही ठीक है। बिल्कुल कंफर्म है? ये कंफर्म है कि वही बनेंगे? कंफर्म है, वही बनेंगे। ठीक है, देखिए इस ढंग से हम ग्रामीणों से कुछ वार्तालाप किए हैं HBN न्यूज़ की तरह से, जो देखा जा रहा है कि सभी लोग यहाँ पे
नीतीश कुमार के मतलब लाइकर है, मतलब एक्टिव कह रहे हैं कि कभी भी बनेगी सरकार नीतीश कुमार ही बनेगी और यहाँ के वर्तमान विधायक भी सरफुद्दीन ही बनेगी। नमस्कार, एचबीएन न्यूज शिवहर। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।